रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना चुगत, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। लड़कों और लड़कियों के मोहब्बत की कहानियों का जिक्र हो रहा था। प्रकाश जो बहुत देर से खामोश बैठा, अंदर ही अंदर बहुत शिद्दत से सोच रहा था, एकदम फट पड़ा। सब बकवास है, 100 में से 99 मोहब्बत की कहानियां निहायत ही भोंडे, लचर और बेहुदा तरीकों पर अमल में आते हैं। एक बाकी रह जाती है, उसमें आप अपनी शायरी रख लीजिए या अपनी सूझबूझ और काबिलियत भर दीजिए। मुझे हैरत है, तुम सब तजुर्बेकार हो, एक आम आदमी के मुकाबले में ज्यादा समझदार हो। जो हकीकत है तुम्हारी आंखों से ओझल भी नहीं है। फिर ये क्या है माकत है कि तुम बराबर इस बात पर जोर दिए जा रहे हो कि औरत को करीब करने के लिए नर्म नाजुक शायरी, हसीनो जमील शके, खुश ढंग लिबास, इत्र लैवेंडर और जाने किस किस खुराफात की जरूरत है। और मेरी समझ में ये चीज तो बिल्कुल नहीं आती कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोचकर एक स्कीम बनाने की जरूरत है। चौधरी ने जवाब दिया, हर काम करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है। प्रकाश ने फौरन ही कहा, मानता हूं लेकिन ये इश्क लड़ाना मेरे नजदीक काम नहीं। ये एक भाई तुम गौर क्यों नहीं करते, कहानी लिखना एक काम है, इसे शुरू करने से पहले सोचना जरूरी है, लेकिन इश्क को आप काम कैसे कह सकते हैं? ये एक मेरा मतलब है इश्क मकान बनाना नहीं, जो आपको पहले नक्शा बनवाना पड़े। एक लड़की या औरत आपके सामने आती है, आपके दिल में कुछ गड़बड़ सी होती है, फिर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो आपके साथ लेटी हो, इसे आप काम कहते हैं। ये एक हैवानी तलब है जिसे पूरा करने के लिए हैवानी तरीके ही इस्तेमाल करने चाहिए। जब एक कुत्ता कुतिया से इश्क लड़ाना चाहता है तो वो बैठकर स्कीम तैयार नहीं करता। इसी तरह सांड जब बू सूंघकर गाय के पास जाता है तो उसे बदन पर इत्र लगाना नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर हम सब हैवान हैं, इसलिए इश्क और मोहब्बत में, दुनिया की सबसे पुरानी तलब में, इंसानियत का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि शेरो शायरी, पेंटिंग, सनम तराशी, ये सब महज बेकार हैं? प्रकाश ने सिगरेट सुलगाया और अपना जोश बकदरे किफायत इस्तेमाल करते हुए कहा, महज बेकार नहीं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है कि जब फनून लतीफा के वजूद का बायस औरत है तो फिर ये बेकार कैसे हुए। असल बात यह है कि इनके वजूद की वजह खुद औरत नहीं है, बल्कि मर्द की औरत के बारे में हद से बढ़ी हुई खुशफहमी है। मर्द जब औरत के बारे में सोचता है तो और सब कुछ भूल जाता है। वो चाहता है कि औरत को औरत न समझे, औरत को महज औरत समझने से उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। वो चाहता है कि उसे खूबसूरत से खूबसूरत रूप में देखे। यूरोपीय ममालिक में जहां औरतें फैशन की दिलदादा हैं, जरा उनसे जाकर पूछो कि उनके बालों, उनके कपड़ों और उनके जूतों के नित नए फैशन कौन ईजाद करता है। चौधरी ने अपने खास बेतकल्लुफाना अंदाज में प्रकाश के कंधे पर हौले से तमाचा मारा, तुम बहक गए हो यार, जूतों के डिजाइन कौन बनाता है, सांड गाय के पास जाता है तो लैवेंडर लगाना नहीं पड़ता। यहाँ बातें हो रही थी कि लड़कों और लड़कियों के वही इश्क कामयाब होते हैं जो शरीफाना खतूत पर शुरू हों। प्रकाश के होठों के कोने तन से सिकुड़ गए। चौधरी साहब किबला, आप बिल्कुल बकवास करते हैं, शराफत को रखिए आप अपने सिगरेट के डिब्बे में। और ईमान से कहिए, वो लौंडिया जिसके लिए आप पूरा एक बरस अपने रुमालों को बेहतरीन से बेहतरीन लैवेंडर लगाकर स्कीमें बनाते रहे, क्या आपको मिल गई थी? चौधरी ने किसी कदर खिसियाना होकर जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करती थी। किससे? एक उल्लू के पट्टे से, एक फेरी वाले बजाज से, जिसको ना तो गालिब के शेर याद थे न कृष्णचंद्र के अफसाने, और जो आपके मुकाबले में लैवेंडर लगे रुमाल से नहीं, अपने मैले तहमत से नाक साफ करता था।
चौधरी साहब, किबला मुझे अच्छी तरह याद है, आप बड़ी मेहनत से उसे खत लिखा करते थे। उन खतों में आपने आसमान के तमाम तारे नोच कर चिपका दिए थे, चांद की सारी चांदनी समेट कर फैला दी थी। मगर उस फेरी वाले बजाज ने आपकी लड़की को, जिसकी जहनी ऊंचाई के आप हर वक्त गीत गाते थे, जिसकी नफासत पसंद तबीयत पर आप मर मिटे थे, एक आंख मारकर अपनी थानों की गठरी में बांधा था और चलता बना था। इसका जवाब है आपके पास? मेरा ख्याल है जिन तरीकों पर मैं चल रहा था गलत थे। उसका नफ्सियाती जायजा भी मैंने जो लिया था ठीक साबित ना हुआ था। प्रकाश मुस्कुराया। चौधरी साहब, किबला जिन खतूत पर आप चल रहे थे यकीनन गलत थे। उसका नफ्सियाती जायजा भी जो आपने किया था ना दुरुस्त था, और जो कुछ आप अब कहना चाहते हैं वो भी ठीक नहीं है। आपको खतकशी और नफ्सियाती जायजे की जहमत उठानी ही नहीं चाहिए थी। अपनी नोटबुक निकालकर लिख लीजिए कि 100 में से 100 मक्खियां शहद की तरफ भागी आएंगी और 100 में से 99 लड़कियां भोंडेपन से झुकी होंगी। प्रकाश के लहजे में एक ऐसा तंज था जिसका रुख चौधरी की तरफ इतना नहीं था जितना खुद उसकी अपनी तरफ था। चौधरी ने सिर को जुम्बिश दी और कहा, तुम्हारा फलसफा मैं कभी नहीं समझ सकता। कोशिश करो और समझो, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। किस्सा ये है कि एक आसान बात को तुमने मुश्किल बना दिया है। तुम आर्टिस्ट हो, नोटबुक निकालकर ये भी लिख लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं। मुझे बहुत तरस आता है उन पर। कम वक्तों की बेवकूफी में भी खुलूस होता है। दुनिया भर के मसले हल कर देंगे, पर जब किसी औरत से मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि एक गज दूर खड़ी औरत तक पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर सोचेंगे वो औरत आंखों से ओझल कैसे हो गई। चौधरी साहब, किबला निकालिए अपनी नोटबुक और लिखिए कि आप अव्वल दर्जे के चुगत हैं। चौधरी खामोश रहा। मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि प्रकाश महज चौधरी को आईना बनाकर खुद अपनी शक्ल देख रहा है और खुद को गालियां दे रहा है। मैंने उससे कहा, प्रकाश ऐसा लगता है कि चौधरी के बजाय तुम अपने आप को गालियां दे रहे हो। खिलाफे तवक्को उसने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। यानी मैं भी जब 2 और 2 4 होते हैं तो खुश नहीं होता। मैं भी किबला चौधरी साहब की तरह अमृतसर के कंपनी बाग में औरत से मिलकर फ्रंटियर मेल से पिशावर जाता हूँ और वहाँ आंखें मलमल कर सोचता हूँ कि वो औरत गायब कहाँ हो गई। ये कहकर प्रकाश खूब हंसा और फिर वो चौधरी साहब से कहने लगा, चौधरी साहब, किबला हाथ मिलाइए, हम दोनों फिसड्डी घोड़े हैं। इस दौड़ में सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके जहन में सिर्फ एक चीज हो कि उसे दौड़ना है, ये नहीं कि वो काम और वक्त का सवाल हल करने बैठ जाए। इतने कदमों में इतना फासला इतने वक्त में तय होता है, तो इतने कदमों में कितना फासला कितने वक्त में तय होगा, इश्क ज्योमेट्री है ना एलजेब्रा, बस बकवास है, बकवास। इसलिए इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास ही से मदद लेनी चाहिए। चौधरी ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्या बकवास करते हो यार? तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। 2 बरस हुए वो एक जरूरी काम से चंबा गया। 2 रोज के बाद लौटकर उसे डलहौजी चला आना था और इसके फौरन बाद अमृतसर पहुंचना था, मगर वो 3 महीने तक लापता रहा। ना उसने घर खत लिखा ना मुझे। जब वो वापस आया तो उसकी जबानी मुझे मालूम हुआ कि वो 3 महीने चंबा ही में रहा था कि वहां की एक खूबसूरत लड़की से उसे इश्क हो गया था। चौधरी ने पूछा, नाकाम रहा होगा? प्रकाश के होठों पर मानीखेज मुस्कुराहट पैदा हुई। नहीं नहीं, वो कामयाब रहा।
जिंदगी में उसे एक शानदार तजुर्बा हासिल हुआ। 3 महीने वो चंबा की सर्दियों में ठिठुरता उस लड़की से इश्क करता रहा। हुआ यूं कि वो वापस डलहौजी आने वाला था कि पहाड़ी की एक पगडंडी पर मेरे दोस्त की एक काफिर जमाल हसीना से मुठभेड़ हो गई और तमाम कायनात सिकुड़कर उस लड़की में समा गई। मेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई थी। क़िबला चौधरी साहब सुनिए, 15 दिनों तक लगातार वो गरीब अपनी मोहब्बत को चंबा की यखबस्ता फजा में दिल के अंदर दबाए छुप छुप कर दूर दूर से उस लड़की को देखता रहा, मगर वो लड़की के पास जाकर उससे हम कलाम होने की हिम्मत ना कर सका। उससे बात करने की उसमें हिम्मत ही ना होती। हर दिन गुजरने पर वो सोचता कि दूरी कितनी अच्छी चीज है। ऊंची पहाड़ी पर वो बकरियां चरा रही है और नीचे सड़क पर उसका अपना दिल धड़क रहा है। आंखों के सामने जरा ये शायराना मंजर लाइए और दाद दीजिए। इस पहाड़ी पर आशिक़े सादिक खड़ा है और उस पहाड़ी पर उसकी सीमी बदन महबूबा। दरमियान में साफ पानी का नाला बह रहा है। सुभान अल्लाह, कैसा दिलकश मंजर है चौधरी साहब। क़िबला चौधरी ने टोका, बकवास मत करो और जो वाकया है उसे बयान करो। प्रकाश मुस्कुराया, तो सुनिए, 15 रोज तक मेरा दोस्त इश्क के जबरदस्त हमले के आसार दूर करने में मसरूफ रहा और सोचता रहा कि उसे जल्दी वापस चला जाना चाहिए। इन 15 दिनों में उसने कागज और कलम हाथ में लेकर तो नहीं, लेकिन दिमागी दिमाग में उस लड़की से अपनी मोहब्बत का कई बार जायजा लिया। लड़की के जिस्म की हर चीज उसे पसंद थी और सवाल ये दरपेश था कि उसे हासिल कैसे किया जाए। क्या एकदम बगैर किसी जान पहचान के वो उससे बातें करना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों हो, कैसे नहीं सकता? मगर फर्ज करो अगर उसने मुंह फेर लिया और जवाब दिए बगैर वो अपनी बकरियां को हांकती हुई पास से गुजर गई तो? देखो, जल्दबाजी कभी काम नहीं आती, लेकिन उससे बात किए बगैर उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? हाँ, एक तरीका है कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की जाए, उसको अपनी तरफ रागिब किया जाए। हाँ ठीक है, लेकिन अपने पास कैसे किया जाए? हाथ के इशारे से? नहीं नहीं, बिल्कुल पोच बात है। सो क़िबला चौधरी साहब, उन 15 दिनों में हमारा हीरो यही सोचता रहा। 16वें दिन अचानक बावली पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो के दिल की बाछें तो खिल गईं, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी। उसने अपनी टांगों के बारे में सोचना शुरू किया। जब उसे उस लड़की की मुस्कुराहट का ख्याल आया तो उसने अपनी टांगें अपनी सोच से अलग कर दी और उस लड़की की पिंडलियों के बारे में सोचने लगा जो उठी हुई घघरी में से उसे नजर आई थी। कितनी सुडौल हैं। वो दिन दूर नहीं जब वो उन पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर सकेगा। 15 दिन और गुजर गए। इधर वो मुस्कुराती हुई पास से गुजरती रही, उधर हमारे हीरो साहब जवाबी मुस्कुराहट की रिहर्सल करते रहे। 1.25 महीना हो गया और उनका इश्क सिर्फ होठों ही पर मुस्कुराता रहा। आखिर एक दिन खुद उस लड़की ही ने मेरे खामोशी तोड़ी और बड़ी अदा से एक सिगरेट मांगा। आपने सारी डिबिया ही उसके हवाले कर दी और सारी रात कप कपाहट पैदा करने वाले ख्वाब देखते रहे। दूसरे दिन हमारे हीरो साहब ने एक आदमी को डलहौजी भेजा और सिगरेटों के 15 पैकेट मंगवाकर एक छोटे से लड़के के हाथ अपनी महबूबा को भिजवा दिए। जब लड़की ने सारे पैकेट अपनी झोली में डाले तो आपके दिल को दूर खड़े खड़े बेहद खुशी हुई। होते होते वो दिन भी आ गया जब दोनों पास पास बैठकर बातें करने लगे। कैसी बातें? क़िबला चौधरी साहब बताइए, हमारा हीरो क्या बातें करता था उस लड़की से? चौधरी ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है क़िबला चौधरी साहब, घर से चलते वक्त वो बातों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर लिया करता था। मैं उससे ये कहूंगा, मैं उससे वो कहूंगा, जब वो नाले के पास कपड़े धोती होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसकी आंखें मीच लूंगा, फिर उसकी बगलों में गुदगुदी करूंगा। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता, आंखें मीचने और गुदगुदी करने के ख्याल ही से
उसे शर्म आ जाती। क्या बचपना है। वो उससे कुछ दूर हटकर बैठ जाता और भेड़ बकरियों की बातें करता रहता। कई दफा उसे ख्याल आया कि कब तक ये भेड़ बकरियां उसकी मोहब्बत चढ़ती रहेंगी। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं और वो अभी तक उसके जिस्म को हाथ तक नहीं लगा सका है। वो सोचता था कि वो हाथ लगाए कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए। फिर वो सोचता कि बहाने से हाथ लगाना बिल्कुल बकवास है। उसकी तरफ से खामोश इजाजत मिलनी चाहिए कि वो उसके बदन के जिस हिस्से को भी चाहे हाथ लगा सकता है। तब खामोश इजाजत का सवाल आ जाता। उसे पता कैसे चलेगा कि उसने खामोश इजाजत दे दी है। क़िबला चौधरी साहब इस बात का खोज लगाते लगाते 15 दिन और गुजर गए। चौधरी खामोश रहा। प्रकाश ने सिगरेट सुलगाया और मुंह से धुआं निकालते हुए कहने लगा। इस दौरान में वो काफी घुल मिल गए थे। दौरान गुफ्तगू में हमारे हीरो ने कई बार लड़की से अपने ऊंचे खानदान का जिक्र किया, अपने खास दोस्तों पर कई बार लानते भेजी जो पहाड़ी देहातों में जाकर गरीब लड़कियों को खराब करते हैं। कभी दबी जबान में और कभी बुलंद बांग अपनी तारीफ भी की। इन तमाम बातों का असर हमारे हीरो के हक में बुरा हुआ। अब वो कैसे उस लड़की पर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश जाहिर करता। उस पर जाहिर था कि मामला बहुत टेढ़ा और पेचदार हो गया है, मगर उसका जज्बाए इश्क सलामत था। उसे उम्मीद थी कि एक रोज खुद लड़की ही अपने आप थाली में डालकर उसके हवाले कर देगी। कुछ दिन और बीत गए। एक रोज कपड़े धोते धोते लड़की ने, जिसके हाथ साबुन से भरे हुए थे, उससे कहा, तुम्हारी माचिस खत्म हो गई है, मेरी जेब से निकाल लो। जेब एन लड़की की बाई छाती के उभार पर थी। हमारा हीरो झेप गया। लड़की ने फिर कहा, निकाल लो ना। थोड़ी सी हिम्मत करके उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियां बड़ी एहतियात से लड़की की जेब में डाली। माचिस बहुत नीचे थी। वो घबरा गया, उंगलियां कहीं और न जा टकराएं। उसने हाथ खींच लिया और लड़की से कहा, तुम्हारी जेब से माचिस फिर कभी निकालूंगा। लड़की ने शरीर नजरों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो ने सोचा कि उसने आधा मैदान मार लिया है और वो दूसरा आधा मैदान मार लेने की स्कीमें बनाने लगा। प्रकाश चुप हो गया। चौधरी उसकी तरफ देख रहा था। प्रकाश ने कहना शुरू किया, एक रोज सुबह सवेरे वो नाले के इस तरफ बैठा, दूसरी तरफ बुलंदी पर लड़कियों को बकरियां चराते हुए देख रहा था और लड़की की उभरी हुई जेब के नीचे के माल पर गौर कर रहा था कि नीचे सड़क पर बावली के पास एक लॉरी रुकी। लॉरी से एक सिक ड्राइवर बाहर निकला और बावली से पानी पीकर उसने ऊपर लड़की की तरफ देखा। मेरे दिल में एक जलन सी पैदा हो गई। बावली की मुंडेर पर खड़े होकर उस मोबिल ऑयल से लिथड़े हुए सिक ड्राइवर ने एक बार फिर सावित्री की तरफ देखा और अपना गलीज हाथ उठाकर उसने सावित्री को इशारा किया। मेरे जी में आई कि पास पड़ा हुआ पत्थर उस पर लुढ़का दूं। इशारा करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ मुंह के इधर उधर रखकर निहायत ही भोंडे तरीके से पुकारा, ओए जानी, मैं सदके आऊं। मेरे तन बदन में आग लग गई। सिख ड्राइवर ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरा दिल घुटने लगा। चंद मिनटों ही में वो हराम के पास खड़ा था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर उसने कोई बदतमीजी की तो वो छड़ी से उसको ऐसी मरम्मत करेगी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। मैं उस मरम्मत के बारे में सोच ही रहा था कि एकदम वो दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए।
मैं भागा नीचे सड़क की तरफ। बावली के पास पहुंचकर मैंने सोचा क्या हिमाकत है और तशवीश कैसी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कहीं वो उल्लू का पट्टा जबरदस्ती ना कर बैठे, इसलिए मैंने पहाड़ी पर तेजी से चढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी, जगह जगह खारदार झाड़ियां थी जिनको पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ना पड़ता था। मैं बहुत दूर ऊपर चला गया पर वो दोनों कहीं नजर ही ना आए। हाँफते हाँफते मैंने अपने सामने की झाड़ी पकड़कर खड़ा होने की कोशिश की, क्या देखता हूं झाड़ी के दूसरी तरफ पत्थरों पर सावित्री लेटी हुई है और उस गलीज ड्राइवर की दाढ़ी सावित्री के चेहरे पर बिखरी हुई है। मेरे जिस्म के सारे बाल जल गए। 1 करोड़ गालियां उन दोनों के लिए मेरे दिल में पैदा हुई। एक बार के लिए मैंने सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा चुगद मैं हूं। मैं उसी वक्त नीचे उतरा और मैंने सीधा लॉरियों के अड्डे का रुख किया। प्रकाश के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी।